गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भी आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे नाउन की डेफिनेशन। नाउन क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट एंड क्वालिटी। इट इज़ ऑल्सो नेमिंग वर्ड। यानी अगर हमने किसी भी पर्सन को कोई नाम दे दिया तो हम उसे नाउन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? किसी पर्सन का नाम, जैसे हो गया राम, श्याम, सीता, गीता। प्लेस का नाम, जैसे आगरा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये सब। इसके अलावा किसी इंसान की स्टेट कैसी है, स्टेट फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी उसकी स्टेट हो गई। अब हम थोड़ा ब्रीफली इसे समझेंगे। पर्सन में आते हैं मैन, वीमैन, मेल, फीमेल, राम, सीता। ठीक है, स्टेट में आ गया, अभी मैंने बताया था स्टेट यानी उसके इमोशनली वो कैसा पर्सन, क्या फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, वो क्या फील कर रहा है। उसके बाद प्लेसेस में आएगा, रेड फोर्ट हो गया, राजीव चौक, कोई भी प्लेस ले लीजिए आप, वो आ गया प्लेस में। और क्वालिटी यानी इंसान कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, उसके अंदर टैलेंट है। तो ये सारी हो गई नाउन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नाउन होती क्या है एक्चुअल में। अब देखिए गाइज, हम पढ़ेंगे नाउन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, यानी उसके काइंड्स क्या क्या होते हैं। देखिए नाउन बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम इसे स्टार्टिंग से एक एक नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और गाइज इसके बाद हम रूल्स भी पढ़ेंगे कि नाउन में मतलब नाउन है किसी सेंटेंस में तो उसमें आर्टिकल लगता है या नहीं लगता। रूल्स, नाउन से रिलेटेड सारे रूल्स हम कवर करेंगे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफाई कर देती है किसी का नाम या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देती है। जैसे कि इंडिया, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के बारे में बात हो रही है तो स्पेसिफिक नेम है ना इंडिया। या दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली की कर रहे हैं। और इसके अलावा किसी पर्सन का नाम जैसे कि मोनिका, तो हो गया। इसका एक एग्जांपल सेंटेंस में हम समझेंगे, रितेश गो टू स्कूल, तो ये हो गई प्रॉपर नाउन। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्सन को या प्लेस को स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में। नेक्स्ट आती है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जनरल, जिसे पढ़ के हमें समझ नहीं आता एक्चुअल में किस पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस की बात हो रही है। जैसे कि बॉय, हमने बोला बॉय तो अब हम किस लड़के की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। गर्ल, कौन सी गर्ल की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो। इसके अलावा कंट्री हो गई, हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज है, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, हमें नहीं पता। तो ये होती है हमारी कॉमन नाउन। आपको अच्छे से ये दोनों नाउन समझ आ गई होगी गाइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी फिजिकली वो हम उसे देख नहीं सकते। यानी कि ये क्या होती है, इनटेंजिबल, यानी कि टेंजिबल नहीं होती क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इंसान में हम देख नहीं सकते, फिजिकली दिखाई नहीं देती ऑनेस्टी। इसके अलावा लव, जो कि हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता। अब देखिए नेक्स्ट नाउन होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि कलेक्शन होता है नंबर्स ऑफ पीपल और थिंग्स का, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती, अलग अलग चीज़ें, उनका ग्रुप होता है। जैसे कि हो गया टीम, क्लास, आर्मी, फ्लॉक एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाउन आती है कॉन्क्रीट नाउन। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट से अपोजिट होती है। अभी मैंने आपको बताया ना एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिसमें हमें फिजिकल, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और ये जो होती है कॉन्क्रीट, इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, हमें वो दिखाई देती है। जैसे कि हो गया बुक, टेबल, कुछ भी मान लीजिए, पेंसिल, जो भी हमें चीज़ दिखाई देती है। इसके बाद गाइज देखिए, हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है। अब देखिए हेयर्स है, अगर हेयर की बात करेंगे तो ये कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल है। और दूसरी होती है गाइस काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स कैसे होते हैं,
नॉर्मली लोग उसे अनकाउंटेबल बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि स्टार कैसे होते हैं, काउंटेबल। हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए 5 स्टार हम देख रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं कि 5 है, तो ये कौन सी हो गई हमारी, काउंटेबल। अब ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाली नाउन हमें देखने में जैसे भी लगे लेकिन ये होती है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन देखिए कौन कौन सी होती है, एडवाइज़ हो गई, न्यूज़ हो गई, ज्वेलरी हो गई, हेयर हो गए, इक्विपमेंट, लगेज, फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, वर्क, ट्रैवल, लगेज, वेदर, ट्रैफिक, ये सारी कौन सी अनकाउंटेबल है, इन्हें हम बेसिकली काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम सबसे पहला रूल जिसका गाइज हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उस पर पहुँच चुके हैं। नाउन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, देयर शुड बी नो आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन। मतलब हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने पढ़ी ना अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गई, हेयर हो गई, ज्वेलरी हो गई, न्यूज़ हो गई, एडवाइस हो गई, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द, ये तो गाइज आपको पता ही होगा सबको, और ए एन द कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूँगी अलग से जिसमें आर्टिकल्स अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उसके एग्जांपल भी मैंने अच्छे से लिख दिए हैं। अब देखिए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते, यानी ए एन द उनके स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होता। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द इन्फॉर्मेशन, तो द इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होगी। अ मास, मास ये अ न्यूज़, सॉरी गाइज, अ न्यूज़ कभी नहीं होगा, और एन एडवाइस कभी नहीं होगी। यानी इन्फॉर्मेशन से पहले हम द यूज़ नहीं कर सकते, न्यूज़ से पहले अ, द कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, और एडवाइस से भी पहले हम ए एन द यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें फिर भी इनके सामने आर्टिकल लगाना है तो हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस। हमने एडवाइस सिंगल यूज़ नहीं किया, ए उसके साथ हमने क्या यूज़ कर लिया, अ पीस ऑफ एडवाइस। ऊपर भी देख लीजिए अगर हमें न्यूज़ के साथ ए एन द हम जनरली नहीं लगा सकते लेकिन हमें लगाना है तो हम क्या लिख देंगे, अ पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये एक फर्स्ट रूल, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए गाइज हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर जो कि हमें देखने में ऐसा लगता है प्लूरल है लेकिन होती वो कैसी है, सिंगुलर। जैसे कि हो गई मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मतलब हमें ये नाउन देखने में इनके साथ एस लगा होता है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि ये सिंगुलर नहीं होगी, ये प्लूरल ही होगी। और प्लूरल नाउन मैंने आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती है, इसमें हो गया सीजर्स, ट्राउजर्स, ये जितनी भी नाउन्स होती है ना ये हमेशा आपको पता ही है। हम इयररिंग्स है, अब एक सिंगल इयररिंग्स तो पहनेंगे नहीं, दोनों पहनेंगे ना, तो ये कौन सी होती है, प्लूरल। और वो वाली सिंगुलर आपको पता ही है, बता ही दी, ज़रूरी नहीं है। हम जनरली बचपन में पढ़ते थे कि जिसके आगे ऐसा आ गया तो वो हमारी प्लूरल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, और ये जितनी भी प्लूरल नाउन है जैसे गॉगल्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, ये कौन सी हो गई हमारी, प्लूरल नाउन, ठीक है गाइस। अब देखिए जो भी प्लूरल नाउन होगी उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, अच्छे से याद रखिएगा। जैसे इयररिंग्स है तो इयररिंग्स के साथ क्या यूज़ होगा, आर। इयररिंग्स के साथ कभी भी इज यूज़ नहीं हो सकता। और थैंक्स है, थैंक्स के साथ भी आर यूज़ होगा। बिलोंगिंग्स है, उसके साथ क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। वॉज यूज़ नहीं होगा, वर यूज़ होगा, इज़ यूज़ नहीं हो सकता, यानी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। और देखिए पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स, अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। लेकिन मान लीजिए वो किस पॉलिटिक्स की एज सब्जेक्ट बात ना हो के किसी और तरीके से बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। अब देखिए डेटा हमारी क्या है, सिंगुलर है, और डेटम इसका प्लूरल फॉर्म है। समन्स हमारी सिंगुलर है और समन्स इसका प्लूरल फॉर्म है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक गाइज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव केस क्या होता है। पॉजिटिव केस जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है, सॉरी गाइज, अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। अब देखिए कब यूज़ होगा, किसी भी नॉन लिविंग, इसका मतलब क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है का। जैसे कि हमने लिखा है स्टूडेंट्स बुक, ठीक है, तो यानी स्टूडेंट की बुक,
यानी स्टूडेंट की किताब का के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होगा, ना कि नॉन लिविंग के साथ, जैसे कि बैग्स चैन, बैग की चैन, तो ये नॉन लिविंग है बैग, तो इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। बॉटल लिड यानी बोतल का ढक्कन, तो हम बॉटल्स लिड नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो हम क्या लिखेंगे, लिड ऑफ द बॉटल। अगर हमें बैग्स चेन यूज़ करना है तो चैन ऑफ द बैग कहेंगे। इसके अलावा गाइज एक बार एक और भी चीज़ है, जैसे स्टूडेंट्स बुक्स हमें लिखना है, तो अब एक तो स्टूडेंट का पहले से एस होता है और एक और एस आ गया, तो डबल एस आ गया ना, तो इसे हिसिंग साउंड्स बोलते हैं, जिसमें डबल यूज़ हो जाता है किसी एक ही वर्ड का। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया है, स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्कूल्स पहले उसके साथ वैसे ही एस और उसके साथ एक और एस लगा दिया, तो हम डबल एस नहीं लगाते इसमें, हम क्या करते डायरेक्ट हम जो बाद वाला एस है वो हटा देते, सिंगल एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। और इसकी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हो गई समबडी एल्स, तो इसके साथ हम यूज़ कर लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का। अब देखिएगा ये जो इस रूल की भी एक एक्सेप्शन होती है, कि अभी मैंने आपको बताया कि अपॉस्ट्रॉफी एस जो है नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ हमने क्या बताई, ये हमेशा किसके साथ होगा, लिविंग के साथ यूज़ होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये नॉन लिविंग के साथ भी यूज़ हो जाता है, जैसे कि यूनिट है 10 किलोग्राम्स, लीटर्स, इन सब के साथ हम एस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर लेते हैं। प्लेस है पुणे, मुंबई, इनके साथ भी यूज़ कर लेते हैं। टाइम है दिवाली, होली, इनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर लेते हैं। हेवनली बॉडीज़ है, जैसे कि आपको पता है अर्थ, सन, मून, ये सब, इन सब के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ईडियम्स, ईडियम्स आ जाती है एट आर्म्स लेंथ, एट स्टोन थ्रो, इन सब के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर लेते हैं। और एक होता है परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रीट करते लिविंग थिंग। अब आपने कई पोएम्स सुनी होगी जिसमें जो पोएट होते हैं वो किसी भी अपने किसी इंसान का कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे ट्रीज से कंपैरिजन कर लिया उन्होंने, रेन से कंपैरिजन कर लिया, तो बेसिकली वो रेन के बारे में बात नहीं कर रहे, वो बेसिकली एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब इसका ना थोड़ा सा और बचा है आपका नाउन का, तो ये मैं अपने इसका जो पार्ट टू है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी गाइज़। तो थैंक यू सो मच, ओके गाइज़।